दोस्तों अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर देखें, मैं कोड बिल्कुल एक्यूरेट लगाता हूँ तो आगे यहाँ पर जो है आ जाता है वेरिफिकेशन कोड इज़ एक्सपायर इंक्लूड इनकरेक्ट ट्राई अगेन। दोस्तों अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर आपके पास कोड ही नहीं आ रहा, चाहे नंबर का या ईमेल का, या तो फिर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप किस सूरत में अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर आपका क्या है पासवर्ड भूल गए हैं। यहाँ पर देखें तो पासवर्ड भी आपको नहीं याद, तो यहाँ पर देखें पासवर्ड लगाते हैं हम। पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डज नॉट मैच योर रिकॉर्ड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर देखें तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब हमारे पास अब पासवर्ड भी नहीं है ना ही कोड आ रहा है। अगर कोड आ रहा है तो यहाँ पर इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इनकरेक्ट बता रहा है, हम जैसे ही इस पर मतलब यहाँ पर अगेन इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है कोड लगाते हैं तो यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है या तो फिर आपके पास कोई भी मसला आ रहा है, सबसे पहले दोस्तों आपने जो ईमेल पे जिस ईमेल पे या नंबर पर बनाई हुई है आपने इसको कर लेना कॉपी। अब कॉपी करने के बाद दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपका अकाउंट इजीली जो है लॉगिन हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, अपने यहाँ पर जो है गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना टिकटॉक लॉगिन, ठीक है। टिकटॉक LOGIN लॉगिन, टिकटॉक आपने लॉगिन यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर गूगल क्रोम पर आना है, यहाँ पर टिकटॉक जो ऐप है इसको कुछ भी नहीं करना, आपने गूगल क्रोम पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि वो मैच नहीं होता, यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता। अगर आपका टू स्टेप का भी मसला आया हुआ तो यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन इन पासवर्ड लॉगिन इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर नॉट नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब नॉट नो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर बैक आना है, यहाँ पर तो न्यू बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको करना है। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हम अपना क्या डालेंगे, यहाँ पर जो है ईमेल डाल देंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपने करना है फॉरगेट। अब पासवर्ड तो आपको भूल गया है ना, यहाँ पर देखें पासवर्ड जो हम लगाते हैं लेकिन पासवर्ड हमारे पास नहीं है, हम तो फॉरगेट करेंगे ना। फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर देखें इनकरेक्ट योर पासवर्ड, तो हम फॉरगेट करेंगे। तो फॉरगेट अगर आपके पास नंबर है तो नंबर पर या ईमेल पर कोड भेज दें, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने ईमेल पर जो है कोड सेंड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखें तो हमारे पास कोड भी आ चुका है, यहाँ पर 29 यहाँ पर हम कोड लगाते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम पर ही आपने लाना है, यहाँ पर 29 यहाँ पर 29 और यहाँ पर 59 यहाँ पर जो है हम लगा देते हैं 93। तो यहाँ पर देखें मैंने कोड लगाया और कोड यहाँ पर फिर यहाँ पर इनकरेक्ट बता रहा है। तो यहाँ पर देखें मैं फटाफट से यहाँ पर देख, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो कोड आया था ये वाला था, तो यहाँ पर 65 48 49 यहाँ पर ये रॉन्ग कोड मैंने वैसे ही ये रॉन्ग लगा दिया है। यहाँ पर जो है जो कोड था वहाँ पर 65 यहाँ पर मैं लगाता हूँ 65 48 49, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कोड बिल्कुल एक्यूरेट लगाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट कर देना है। अब पासवर्ड जो भी आप लगाएंगे आपने याद रखना है कि कौन सा मैं पासवर्ड जो है लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड आपने यहाँ पर करेक्ट लगा दिया, पर पासवर्ड लगाने के बाद आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहां पर लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखें मेरी आईडी यहां पर लॉगिन हो चुकी है। यहां पर अब आपने आना है यहां पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगाना आपने। यहाँ पर पासवर्ड तो अब आपको पता चल गया है जो आपका पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर फटाफट से पासवर्ड लगाता हूँ, पासवर्ड लगा के मैं इजीली जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है आपके आंखों के सामने लाइव प्रूफ के साथ, यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है रिकवर हो चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बने बनाए टिकटॉक के मोनेटाइज अकाउंट अवेलेबल हैं और इसके अलावा यूके यूएसए मतलब बाहर की कंट्री के भी हम खरीदो फरोख्त करते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ लेनी हो तो साथ दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक मोनेटाइज अकाउंट भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अगर आपने लेना हो तो साथ दिए गए नंबर पर या अपाउट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपका अकाउंट भी रिकवर नहीं हो रहा या कोई भी मसला आ रहा है तो आप साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।